मुखिया। योगी आदित्यनाथ ने सुशासन नीति अपनाते हुए उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने के लिए कई गंभीर निर्णय लिए। उन गंभीर निर्णयों में एक प्रमुख निर्णय था यूपी की औद्योगिक नगरी कानपुर में कमिश्नर रेट लागू करना, क्योंकि कानपुर में अपराध का ग्राफ चरम पर था। कमिश्नर रेट लागू होने के बाद लोगों ने सोचा था कि कानपुर की पुलिसिंग और भी दुरुस्त हो जाएगी, भयमुक्त होकर हम चैन की सांस ले सकेंगे। परंतु कानपुर में सत्ताधारी पार्टी के विधायक ही सुरक्षित नहीं है। बीते दिनों भाजपा विधायक सुरेंद्र मेथानी के घर के बाहर से 3 अपराधी कट्टा बम के साथ गिरफ्तार किए गए थे। पुलिस कमिश्नर रेट द्वारा गिरफ्तार करने वाली टीम की पीठ थपथपाई गई थी, परंतु सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने कानपुर कमिश्नर रेट की कार्यशैली की पोल खोल रख दी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसको लेकर भाजपा विधायक सुरेंद्र मेथानी के घर के बाहर से अपराधियों के गिरफ्तार करने वाले दरोगा जी सवालों के घेरे में आ गए हैं। वीडियो ने साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस प्रकार से पूरी वारदात को मजबूत करना है, कैसे गिरफ्तारी की प्रक्रिया होनी चाहिए, एक एक बात दरोगा जी बता रहे हैं। काका देव थाने के पांडू नगर चौकी इंचार्ज आनंद प्रकाश वायरल वीडियो में यह कहते नजर आ रहे हैं, इनको अपने पास से सही तमंचा लगाकर भेज देंगे। इतना ही नहीं, आनंद प्रकाश कह रहे हैं ये प्रक्रिया यहाँ नहीं दिखा सकते, इसलिए नहीं दिखा रहे, क्योंकि यह प्रक्रिया मौके से बरामद होने पर वहीं सील करने की होती है। परंतु दरोगा जी तो वाहवाही में सारी चीजें ऐसे ही चौकी में ले आए थे। वही वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने जांच के आदेश दिए हैं। डीएसपी बेस्ट संजीव त्यागी ने बताया, वायरल वीडियो प्रथम दृश्यता एडिटेड प्रतीत हो रहा है। इस पूरे प्रकरण की जाँच एडिशनल डीसीपी अभिषेक अग्रवाल को दी गयी है। उनकी रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। थाना अंतर्गत 17 मई की देर रात गोविंद नगर से भाजपा विधायक सुरेंद्र मेथानी के घर के बाहर 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिन पर आरोप लगा था कि आरोपी विधायक पर हमला करने के लिए आए थे। बम और कट्टे से लैस बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। परंतु आज देर शाम भाजपा विधायक सुरेंद्र मेथानी के घर के बाहर हुई इस पूरी वारदात से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसमें काकादेव थाना अंतर्गत पांडू नगर चौकी इंचार्ज आनंद प्रकाश बता रहे हैं बम कैसे बरामद करना है, इसको लेकर बातचीत कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कट्टे को कैसे बरामद करना है, सील करने की क्या प्रक्रिया होती है, बरामद कैसे और कहां पर किस जगह पर कराना है, इन सारी बातों को बता रहे हैं। वहीं इस कट्टे को एक निजी व्यक्ति चौकी इंचार्ज ओम प्रकाश के सामने चेक करके बता रहा है। हाथ में कपड़ा लपेटे ये व्यक्ति जो चौकी प्रभारी अन्य प्रकाश के हाथ से कट्टा लेकर कैसे चेक करते हैं, एक एक चीज बता रहा है। आखिर पुलिस के सामने एक निजी व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है, एक बड़ा सवाल है, जिसमें वह यह बात भी कह रहा है कि कट्टा सही है साहब। वीडियो वायरल होने के बाद से पुलिस सवालों के घेरे में आ गई है। भाजपा विधायक सुरेंद्र मेथानी के घर के बाहर की घटना से जुड़ा वायरल वीडियो सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने अपने फेसबुक पर शेयर करते हुए कानपुर कमिश्नर रेट की कार्यशैली पर सवाल किया है। इसके बाद यह मामला और भी ज्यादा तूल पकड़ रहा है। देखने वाली बात होगी एडिशनल डीसीपी अभिषेक अग्रवाल की जाँच में क्या कुछ तथ्य निकल कर सामने आते हैं और दरोगा आनंद प्रकाश पर क्या कार्रवाई होगी। दूसरा लगाएंगे बेकार है, असली वाला लगाना ना सही तो बेकार है यार, इसे भी कट्टा मतलब जब लोग एक मिनट कि दूसरा लगाएंगे बेकार है, असली वाला लगाना ना सही तो बेकार है। अरे साहब रुको, सही है, रुको ऐसा है ये दूर कर यहाँ से, खाली है कोई बात बड़ा खाली भी कभी कभी खाली भी चेक मत करो, हथियार कभी खाली नहीं होता यार, इसमें सब गड़बड़ है। सही वाला लगाना तो बेकार, सही वाला लगाना तो बेकार। ये बताऊँ क्यों नहीं दिखा रहे हैं, ये सब प्रक्रिया हुई मौके पे होगी मथानी जी के घर के सामने। कहा सर आओ साहब बैठे साहब बैठो बैठे ये जो प्रक्रिया है हमारी, ये यहाँ नंगे नहीं दिखा सकते, ये सब मौके पे ही सील होगी वही, लेकिन उनको तो दिखा सकते हैं ना आप, इनको थाली में दिखाया जाता है, ये गलत माल होता है, सारा माल मौके पे ही सील होता है, माल मौके आप ये माल होता है, सारा माल मौके पे ही सील होता है, माल मौके अरे कही दिया ना एक बात तो मतलब ही नहीं, मेन तो आपके लिए कल का है, जब कल सारी घटना काम क्लियर हो जाएगा तो खुद ही सर बुला करके बैठ देंगे आप।
हाँ देखिए, मैं तो सामान्य रूप से यहाँ रोज अपना घर है, सवेरे यहाँ भी शाम को गलत हो गया। आज एक पुलिस कर्मी का वीडियो संज्ञान में आया है। यह वीडियो प्रथम दृष्टा एडिटेड प्रतीत हो रहा है। इस पूरे प्रकरण की और वीडियो की ऑथेंटिसिटी की जांच एडिशनल डीसीपी वेस्ट श्री अभिषेक अग्रवाल जी को दी गई है। उनकी जांच रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।